हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सो भाई आज हम खड़े हैं मारुति सिलेरियो के साथ और बेसिकली ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है जो हमें ZXi प्लस वेरिएंट देखने को मिलता है इसमें, वो ये वेरिएंट है। और इसकी प्राइजिंग की मैं बात कर दूँ तो कुछ 5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 7 लाख रुपए तक की इसकी प्राइजिंग हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपको मतलब कि वही मारुति के जो ट्रेडिशनल वेरियंट्स है इसमें आ जाते हैं, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस, तो ये कुछ वेरियंट है वो इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो वह पीछे के जो 3 वेरिएंट है VXi, ZXi एंड ZXi प्लस, उसमें आपको इसमें AMT का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको कोई ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू ध्रुव मोटर्स की जिन्होंने हमें यह कार वो रिव्यू पर्पस के लिए अवेलेबल करवाई। आपको मारुति का किसी भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर आपको कोई भी कार बाय करनी हो, टेस्ट ड्राइव लेनी हो, तो आप सूरत में कहीं पर, गुजरात में कहीं पर रहते हो तो आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो। इनकी मैं जो सारी डिटेल है, नंबर और इनका एड्रेस, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको जो डिस्प्ले है उस पर भी आपको शो हो रहा होगा, तो आप इनका कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक करके यहाँ पर आ सकते हो। फिर बात कर देते हैं 7 लाख रुपए का ये जो टॉप मॉडल है उसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके फ्रंट, रियर, बैक साइड और इसके इंटीरियर के अंदर बात कर देते हैं, स्पेस कैसा है, इसके फीचर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पर इसका हेडलैम्प देख सकते हो, अभी इसके इंडिकेटर है वो स्टार्ट है, इसकी हजार लाइट है वो स्टार्ट है। तो इसमें हमें हेलोजन पूरा क्लस्टर देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर कोई DRL है वो देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये जो मेन लैंप है, मतलब कि जो हेड लैंप है, वो भी हमें हेलोजन ही देखने को मिल जाता है। और नीचे की भी हम बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी दिया गया है जो कि हमें अगेन हेलोजन देखने को मिलता है। एंड ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो वो हमें ब्लैकआउट फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो और ये क्रोम की बार आपको देखने को मिल जाएगी। ये क्रोम की बार जो आप देख रहे हो वो सुजुकी ने अपना नया ट्रेडिशनल चालू किया, अपनी सारी कार्स में कुछ इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज वो बनाता है और इसमें भी वो डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यू रखी गई है। बाकी अब इसका फ्रंट लुक देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है, इससे बीच में ब्लैक एंड ऊपर वाइट, वापस से ब्लू कलर, जो कि ऑल ओवर लुक में ये जो कार बनाई गई है बेसिकली ये एक हैचबैक कार है, बट इसको जो मतलब कि अभी मार्केट की जो डिमांड है उसको देखकर इसको एक SUV टाइप का, एक मिनी SUV टाइप का इसको लुक है वो दिया गया है। और भाई ये जो सिलेरियो आप देख रहे हो उसके अंदर हमें सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि कितना पावर और कितना टॉर्क जनरेट करता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंजन की सारी स्पेसिफिकेशन। बाकी मैं इसके आपको बोनेट के अंदर दिखा देता हूँ इसका इंजन कैसा हमें देखने को मिल जाता है। बोनेट ऑल ओवर देखे तो काफ़ी कुछ हमें हैवी देखने को मिलता है। बाकी भाई ये कुछ इसका इंजन है, 1 लीटर का पेट्रोल इंजन और इसमें सिर्फ ये एक ही इंजन ऑप्शन है। एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक 2 गियर बॉक्स के आपको इसके ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और भाई इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है और मारुति के सारे इंजन आपको पता ही है कि साइलेंट तो काफ़ी ज़्यादा होते ही है। एंड इंजन है वो ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिल रहा है, इस पर कुछ ज़्यादा बहुत आपको कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इंजन आपको ऑल ओवर देख सकते हो। ये कुछ इसका गियर बॉक्स आप देख सकते हो, बाकी ये इसका इंजन है, यानी कि सारी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये है इसका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन। और फिर भाई इसके साइड लुक की बात कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इसके वाइपर्स है, ऊपर की साइड आपको ये एंटीना देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मली आता वही है। एंड इसके साइड लुक की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये इसके आपको ORVM देखने को मिल जाते हैं। ये सेंटर में आपको इसका जो मतलब कि इंडिकेटर है वो दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि ORVM पर हमें देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आपको ब्लैकआउट फिनिशिंग देखने को मिलती है। एंड इसके जो हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं टॉप मॉडल में, ये कुछ आप ब्लैकआउट अलॉय व्हील चेक करो, और ये जो अलॉय व्हील्स आप देखने को मिल जाते हैं हमें ब्लैकआउट जो फिनिशिंग इसमें दी गई है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। योकोहामा के हमें कंपनी फिटेड टायर से वो देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो कुछ हमें 175/16 R15 के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं। 15 इंच का ये हमें जो व्हील है, मतलब कि ये जो रिम आप देख रहे हो वो हमें 15 इंच का देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर लुक में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, अगेन मैंने जैसे बताया। फिर भाई इसके कुछ हम और साइड लुक की बात करें तो यहाँ पर आपको ये इसका डोर हैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पर चाबी का होल्डर है। एंड इसका रिक्वेस्ट सेंसर मोस्टली सभी कार्स में यहाँ पर होता है, यानी कि जो ये
हैंडल होता है उस पर होता है, बट यहाँ पर वो साइड में दिया गया, यानी कि थोड़ा सा ऐसा लुक देता है कि कुछ आफ्टर मार्केट करवाया हो वैसा कुछ लुक देता है, जो कि कुछ लोगों को ऑब्वियसली डिसअपॉइंट करता है, बट ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसमें हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और पीछे का जो डोर हैंडल है वो यहाँ पर दिया गया है, स्विफ्ट की तरह यहाँ पर देते थे तो काफ़ी अच्छा रहता। एंड ये कुछ आप इसका ऑल ओवर साइड लुक है वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस तरफ आपको ये पेट्रोल डलवाने के लिए जो ओपनर है वो मिल जाता है। इसके रियल लुक की बात करें तो ये कुछ हमें इसका पीछे का टेल लैंप का पूरा क्लस्टर देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपको रेड लाइट मिलती है, ये इंडिकेटर है, एंड ये भी आपको मतलब कि वो ब्रेक लाइट ही दी गई है। सो ये कुछ आपका पूरा जो पीछे का टेल लाइट का क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है, एंड पूरा क्लस्टर है वो आपको हैलोजन ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सिलेरियो की बैजिंग दी गई है, इस तरफ आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, एंड पीछे भी आपको वही साइड डोर्स की तरह हैंडल दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो तो रिक्वेस्ट सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। और भाई इसकी मैं बूट स्पेस की बात कर दूँ तो बूट स्पेस है वो मैं इसमें काफ़ी अच्छी दी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसके रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करके आप इसकी बूट स्पेस है वो ओपन कर सकते हो। कुछ 313 लीटर के अराउंड हमें इसमें बूट स्पेस है वो देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी डीप हमें देखने को मिलती है। तो जिन लोगों को कमर का प्रॉब्लम होता है या फिर हम इसमें हैवी सामान रखेंगे तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी अदरवाइज़ आपको यह बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड बूट स्पेस में तो कोई सी शिकायत है नहीं, बहुत अच्छी इसमें बूट स्पेस है वो दी गई है। और भाई इसके नीचे हमें जो इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलता है वो कुछ हमें 14 इंच का देखने को मिल जाता है, जो कि हमें नॉर्मली आता है, मतलब कि जो स्टील रिम आता है वो ही दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको इसके रिपेयर करने की टूल किट है वो देखने को मिल जाती है। सो इसकी ये बूट स्पेस है। एंड ऊपर की साइड यहाँ पर आपको कुछ इंसुलेशन भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको इसके वेरिएंट्स की किसी भी तरीके की बैजिंग देखने को नहीं मिलती। वैसे तो मारुति की कार से उसमें वो बैजिंग है वो दी जाती है, बट इसमें आप देख सकते हो कहीं पर भी वो बैजिंग का मेंशन नहीं किया गया है। इसके रियर ग्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पॉइलर जैसा लुक दिया गया है, बट एग्जैक्टली इसको स्पॉइलर यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर ब्लैकआउट को स्पॉइलर देते थे तो लुक में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है, ये इसका वाइपर दिया गया है पीछे के लिए, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है भाई वैसे तो। एंड इसके पीछे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये एक सेंसर दिया गया है और वैसा ही सेंसर यहाँ पर मिल जाता है, एंड ये रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। एंड इसका जो पूरा पीछे का बम्पर है वो आपको पूरी तरीके से बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कोई ब्लैकआउट फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है। और फिर बात कर देते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, ये कुछ हमें इसका एक्सटीरियर देखने को मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट का, जो कि 7 लाख रुपए में एक शोरूम में देखने को मिलता है। फिर भाई इसके हम इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी रियर स्पेस एंड रियर सीट से उसको चेकआउट करवा देता हूँ। इसके आप डोर्स देख लो, यहाँ पर आपको कुछ वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर कह सकते हो इसको, इसमें हमें ये डोर हैंडल है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई या फिर इसको आप पकड़ के इसका डोर है वो बंद कर सकते हो। नीचे की साइड आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, एंड कुछ स्पेस है वो दी गई, यहाँ पर पूरा स्पीकर है। एंड इसके सीट्स की बात करें तो इसमें हमें वही मतलब कि फैब्रिक सीट है वो ऑफर की जाती है, फैब्रिक है, हमें लेदर सीट देखने को नहीं मिलती है। एंड ये जो आगे की सीट है वो आगे पूरी नहीं की हुई है, बट ड्राइवर के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीछे आप स्पेस दे सकते हो, स्पेस है वो काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है। तो स्पेस वाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी सिलेरियो के न्यू जनरेशन में। एंड एक अच्छी बात यहाँ पर ये की गई है, इसके जो दोनों पावर विंडो होती है उसका बटन जो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ही किसी कार में देखा है कि पावर विंडो के बटन जो वो यहाँ पर दिए गए हैं, पीछे के ही नहीं आगे के भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जब कार का मतलब कि एक्सीडेंट होता है तो कार के जो डोर्स होते हैं उसमें भी ये मतलब कि फॉल्ट में चला जाता है और इसके पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो ये पैसे आपके बच जाएंगे, तो एक्सीडेंट के दौरान इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। और ये कुछ इसके पीछे की सीट्स हमें देखने को मिल जाती है, थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता बट डिसेंट है, लॉन्ग जर्नी में शायद ही प्रॉब्लम होगा, यानी कि स्पेस वाइज आपको काफ़ी अच्छी स्पेस है वो इसमें मिल जाती है। आप देख सकते हो मुझे मेरे जो पैर है वो मैंने पूरी तरीके से फैला के रखे हैं, बट स्पेस में मुझे यहाँ पर कोई कमी तो देखने को नहीं मिल रही है। 3 लोग बैठेंगे तो शायद थोड़ी सी स्पेस की कमी होगी, बट 2 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड बीच में यहाँ पर आपको कोई आर्म रेस्ट है वो देखने को नहीं मिलता, दोनों साइड एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है वो जो हेड रेस्ट है वो दिए गए हैं। फिर वह बात कर देते हैं इसके फ्रंट लुक की। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप जो हैंडल्स आते हैं वो देखने को मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए,
एंड फिर इसके फ्रंट लुक के डैशबोर्ड की हम बात कर दें। तो भाई इसके फ्रंट की तरफ बढ़ते उससे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। सो ये कुछ हमें इसकी चाबी देखने को मिल जाती है। इस पर ये जो ब्लू कलर दिया गया है वो कार को, मतलब कि कार ने ही इसकी चाबी को और ज़्यादा प्रीमियमनेस देता है। एंड चाबी बहुत बढ़िया लगती है भाई। एंड यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक के बटन जो मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। एंड ये कुछ इसकी चाबी है, आप देख लो। और भाई इसकी फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, की होल्डर दिया गया है। एंड इसके हम इंटीरियर में देखें, ये जो डोर है वो आपको बस एक सिंपल सा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो सारे पावर विंडोज़ के जो भी फीचर्स है वो सब कुछ यहाँ पर है, वो मूव कर दिए गए हैं। एंड कुछ हमें यही इसका जो डोर है वो देखने को मिल जाता है। जल्दी से इसके इंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो आपको ये जो एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है, मुझे काफ़ी हद तक जो टर्बाइन्स आते हैं जो एरोप्लेन्स में, जो इसके इंजन्स आते हैं एरोप्लेन्स के, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है। बाकी भाई इसके अंदर की बात कर दें, सो आपको ये कुछ इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो देखने को मिल जाता है। आपको राउंड स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये कुछ इसका सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है, जो कि वी शेप में स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसमें आपको थोड़ी बहुत सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाएगी, मतलब कि वो लेदर है, आपको स्टेयरिंग व्हील है वो इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई। इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको दो एयरबैग देखने को मिलते हैं, एक यहाँ और दूसरा वहाँ। और यहाँ पर आपको जो इसके स्टीरियो के मोड्स है वो देखने को मिल जाते हैं। कॉल कट रिसीव कर सकते हो, वॉइस कमांड का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पुश बटन मिल जाता है, ये ऑटो ऑन ऑफ के लिए, जो इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए बटन दिया गया। बाकी भाई इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ आपको सबसे पहले इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम चेकआउट कर लो। सो इसमें हमें बाकी कार्स की तरह, मतलब कि बाकी सुजुकी कार्स की तरह आपको इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर कुछ आपको टचेज मिल जाते हैं, मतलब कि टचेज वाले बटन दिए गए। ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम बंद कर सकते हो, होम का बटन है, बैक जाने के लिए बटन है, म्यूज़िक का सेटिंग का बटन है। तो ये सारे बटन है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा ये सारे इसका रेडियो का कंट्रोल है। एंड बाकी सो यही कुछ है इसमें आपको, यहाँ से आप इसकी डिवाइस ऐड कर सकते हो, और कुछ चीज़ें वो ऐड करनी हो तो यहाँ पर आपको ये सारी डिस्प्ले आप देख सकते हो, मतलब कि काफ़ी सारे जो फीचर्स है, SMS कर सकते हो, फ़ोन के जो डेट एंड टाइम, कैलेंडर, डिस्प्ले सेटिंग, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, और जो भी चीज़ आपको ऐड करनी हो वो यहाँ पर की जा सकती है। बाकी ये कुछ हमें इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसके जो पावर विंडो के बटन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लॉक अनलॉक भी कर सकते हो, सारे बटन है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, डोर्स से हटा दिए गए हैं, तो इस वजह से इसका जो ऑल ओवर डोर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर दिया है। एंड ये कुछ हमें इसका IRVM देखने को मिलता है, जो कि मैन्युअली एडजस्टेबल है, आप इसको डे नाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसकी लाइट्स मिल जाती है, ये इसका स्पीकर दिया गया है, इसकी लाइट है वो ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऑटोमेटिक रखनी हो, मतलब कि डोर ओपन हो जाए और ये स्टार्ट हो जाए तो वैसे भी आप रख सकते हो। ये इसका सन वाइजर, यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट फोल्ड करके रखने हो, टिकट विकेट रखने हो तो वो आप रख सकते हो। उस तरफ की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कोई आपको लाइट है वो नहीं दी गई है, बट मिरर दिया गया है, वो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके सेंट्रल कंसोल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको यू शेप में यहाँ पर ये जो मतलब कि फिनिशिंग मिलती है वो काफ़ी अच्छी प्रीमियम लगती है। और इसके सेंट्रल कंसोल में हम देखें सो कुछ और बात करें सो ये आपको यहाँ पर हजार्ड बटन है वो मिल जाता है, साथ ही कुछ पावर विंडोज़ के बटन है वो दिए गए हैं। ये आपको पूरे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC नहीं दिया गया है, जो हमें नॉर्मल AC आता है वही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हीट कूलिंग का ऑप्शन है, साथ ही आप फैन स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और आपको ये AC के जो थ्रो है वो कहाँ पर ले जाना है, पैरों में ले जाना है, डीफॉगर का यूज़ करना है, सो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ हम और बात करें नीचे तो आपको यहाँ पर पावर सॉकेट से वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर ये आपको पावर सॉकेट दिया गया है, जहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल चार्जर लगा के काम चलाना पड़ेगा। और इस तरफ जो है आपको USB एंड ऑक्स है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर दिया गया है, यानी कि कुछ स्पेस है वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। बाकी ये कुछ इसका आपको गियर नॉब है वो देखने को मिलता है, ये 6-speed गियर नॉब है, 5-speed फॉरवर्ड एंड 1-speed रिवर्स। और ये आपको इसके अराउंड आपको ये राउंड शेप में जो सिल्वर कलर की फिनिशिंग है वो देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्पेस जैसा दिया गया, कुछ रखना हो बोतल वोटल तो आप यहाँ पर रख सकते हो, बाकी कुछ
एग्जैक्टली बॉटल होल्डर नहीं है, बट अगर कुछ चीज़ रखनी हो तो रखी जा सकती है। एंड यहाँ पर बात करें सो ये आपको इसका हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, और इस तरफ पीछे के ये जो विंडो के बटन है वो देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी सीट्स की हम बात करें तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छे से की गई, मतलब कि आपको पकड़ के रखेगी वैसी को जिसकी कुशनिंग की गई है। बाकी आपको ये फैब्रिक सीट से वो देखने को मिल जाती है। कंफर्ट वाइज मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आपको देखने को मिलेगी इसमें, इसके सेगमेंट वाइज बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप इसको किसी महंगी कार से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट करेगी, बट इस कार के सेगमेंट के हिसाब से इसमें इसकी जो सीट्स है वो मुझे नहीं लगता कि जो स्पेस वाइज एंड कम्फर्ट वाइज कोई आपको शिकायत करेगी। बाकी भाई इसके ये डैशबोर्ड की बात कर ले तो आपको सब कुछ इसमें हार्ड टच प्लास्टिक मिलता है, एंड इसके सेगमेंट में सॉफ्ट टच प्लास्टिक यहाँ पर मिल पाना इम्पॉसिबल जैसा है। एंड इसकी इंजन की रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई बहुत ही इंजन इसका रिफाइंड है, आपको इंटीरियर में ज़रा भी इसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। और फिर भाई इसके ग्लव बॉक्स की हम बात कर दें तो ये कुछ आपको इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई लाइट से वो नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पर इसके मैनुअल से एंड बाकी सारी चीज़ें वो पड़ी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये इसके मैनुअल से जिसमें आप मतलब कि इसको अगर आप पढ़ लो तो आप सिलेरियो पर PhD भी कर सकते हो भाई, यानी कि सब कुछ चीज़ें वो इसमें लिखी हुई होती है। तो ये कुछ हमें इसका जो होल्डर है वो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग दी गई है, जो कि यहाँ पर एयरबैग दी गई है, जो मैंने आपको आगे बताया कि यहाँ पर आपको दो एयरबैग का सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। बाकी ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर आपको ये पूरी एनालॉगी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले है वो दी जाती है, जो कि मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो ये कुछ हमें इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें RPM मीटर आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये कुछ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, एक नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वही दिया गया है, जो मारुति की दूसरी कार्स में भी हमें देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ है। और इसके हम कुछ और डिटेल की बात करें इसके नीचे की, सो ये आपको यहाँ पर ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच देखने को मिलती है। बाकी ये इसको ओपन करके आप इसका जो फ्रंट हुड होता है उसको आप ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको इसके हेडलैम्प के सारे कुछ फीचर्स है वो दिए गए हैं, ये इसके वाइपर्स के फीचर्स है, सो वो सारी चीज़ तो आपको पता ही है। बाकी भाई ये कुछ आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। बाकी ये कोई कुछ सिलेरियो के टॉप एंड वेरिएंट ZXi+, जो कि हमें 7 लाख रुपये में एक शोरूम प्राइस में देखने को मिलता है। और बाकी भाई आज की वीडियो में ये कुछ था, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपका कोई क्वेश्चन हो सिलेरियो को लेकर या फिर दूसरी कोई गाइक को लेकर तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसी के साथ अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगर नहीं किया तो आप ऐसा काफ़ी सारा कंटेंट मिस कर रहे हो। और भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ड्राइव सेफली।